हमारे संस्कार हैं, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमें ऐसे माता पिता मिले, हमें ऐसी पृष्ठभूमि मिली, ऐसी बैकग्राउंड मिली, ये हमारे यहाँ सब लोग मान रहे हैं। तो जो बातें हमारे यहाँ मानी जाती हैं, प्रायः हम वही मान रहे हैं। ऐसा होता है ना, माँ ने कहा है तो मान लेंगे, पिता ने कहा है तो मान लेंगे। कभी कभी लगता है कि शायद ये गलत हो, लेकिन हम तर्क वितर्क से उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते, नहीं हमारे पिताजी किया करते थे तो शायद ये सही है, क्योंकि माता पिता का असर ही कुछ ऐसा होता है। तो हमारे जो संस्कार है वो हमें माता पिता से मिले, और उन्होंने हमें यही सिखाया कि ईश्वर को नमन करो, है ना। तो हम शुरू से देख रहे हैं कि पूजा होती है किसी ना किसी रूप में, सबके घर में होती है। कोई अगरबत्ती सुलगाता है, कोई हाथ जोड़ता है, आरती करता है, या होली दीपावली में विशेष रूप से जो लक्ष्मी गणेश आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ पूजा हम करते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हाँ ईश्वर तो है। लेकिन ईश्वर को किसी ने कहा इसलिए मान लिया, या अपने तर्क की कसौटी पर जब हमने उसे कसा और हमें समझ में आया तो मान लिया, इसमें अंतर होता। जब तक किसी चीज का स्वाद हमें नहीं आता, जैसे किसी को स्वाद ही ना आ रहा हो, वो परेशान हो, तो आप उसको बताइए कि आम बड़ा रसीला है, बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है, जलेबी बड़ी अच्छी है, तो उसको आनंद आएगा। अगर किसी को आंखें ही ना हो और आप बताएं कि बड़ा सुंदर नजारा है, बड़े हरी हरी घास है, देखो देखो इसकी आंखें बहुत सुंदर है, या ये जो गाय है ना ये थोड़ी ज्यादा सुंदर है, उस वाले से ज्यादा अच्छी है, आप जो कुछ भी बताएं, जब तक उसे अपनी इंद्रिय से देखेगा नहीं, तब तक उसे सुंदर में और असुंदर में, कुरूप में, सुरूप में उसे अंतर समझ में नहीं आएगा। आप उसे कितना ही बताएं, कोई अगर कितना भी आप उसको केवल वर्णन करें, जैसे मैंने अभी दोपहर में आपसे बताया था, प्रसंग रखा था कि जब बच्चे को समझ में नहीं आया तो गुरुजी समझाते समझाते उनको लगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो वो वाता उस प्राकृतिक वातावरण में ले गए जहाँ पर बच्चे को समझ में आने लगा। तो जब तक हम किसी भी आनंद का अनुभव स्वयं नहीं कर लेते, तब तक वह चीज हमें समझ में आती है, और ईश्वर की प्राप्ति जैसा आनंद, वह तो कहते हैं ऐसा आनंद होता है, कहते हैं ना पीनियल ग्लैंड में सबसे ज्यादा आनंद आता है आपको, और वह आनंद अगर कहीं आ सकता है जो परमानंद है, परम आनंद है। आप देखिए सुख का विलोम शब्द आप ढूंढिए आपको मिल जाएगा, है ना। सुख का विलोम शब्द क्या होता है, दुख दिन का रात, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द आप सुनिए, आनंद का कुछ उल्टा ही है, क्योंकि आनंद वह स्थिति है जिसको पा करके हर किसी को अच्छा लगता है। आनंद तो सब लोग पाना चाहते हैं। सवेरे भैया चर्चा भी कर रहे थे कि सच्चिदानंद स्वरूप अगर कोई है तो वो परम पिता परमेश्वर। हम जब तक उसकी शरण में नहीं जाते तब तक हमें परमानंद प्राप्त नहीं होता, और हम जानेंगे मानेंगे तब जाकर के वो स्टेज आ पाएगी कि अब हम आ गए हैं, अब हम भक्ति करेंगे। हम भक्ति के रूप में केवल घंटी हिलाए, हम भक्ति के रूप में मान लीजिए मोत्र भी कर ले, अग्निहोत्र कर लिया हमने, हमने पंडित जी को बुलाया, कथा सुन ली, वही कथा लीलावती वाली सुन ली हमने, तो जो पंडित जी ने बताया भैया आचमन करो कर लिया, है ना, कि अमृतोपस्थल मसी स्वाहा कर लीजिए, हमने कर लिया। हाँ भैया स्वाहा कहा तो आओ भी चढ़ा दीजिए, पानी है तो बच्चे भी ऐसे चढ़ा रहे वैसे चढ़ा रहे, लेकिन इससे क्या अर्थ पता चलता। तो हमारा जो सनातन धर्म, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारे वेद है, तो वो कभी कुछ छिपाते ही नहीं। वो कहते हैं कि हमें पढ़ो, हमारा अध्ययन करो। आर्य समाज का प्रथम नियम अगर कोई है तो वह यही है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक,
वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है, क्योंकि वेद की जो वाणी है वो कहते ही है कि ईश्वर की वाणी है। अब उसका ध्यान हमें कहाँ से होगा, तो हमें सत्संग से होगा। अभी भैया बता रहा था, छोटा बेटा आप लोगों ने शायद सुना होगा कि सर पे सुई सदुर जने सुई वरम सर्वदा सर्पम वरम सर्वदा। तो कहते हैं ना कि अगर दुर्जन हो या सर्प हो, दुर्जन और सर्प अगर मिल जाए, चाणक्य कहते हैं, चाणक्य नीति का श्लोक है, तो हमें सबसे पहले दुर्जन से बचना चाहिए, भले ही हम सर्प को एक बार चुन लें। कि सर्प एक बार डसेगा, हो सकता है वो आपको एक बार भी ना डसेगा, लेकिन अगर आपके साथ में दुर्जन, जिस तरह से सत्संगति हमारे लिए आवश्यक है वैसे ही हमारे लिए कुसंगति घातक है। हमने अगर सही ध्यान नहीं पाया तो एक बार फिर ठीक है, क्योंकि हमने घातक नहीं किया। जैसे एक बार एक बेटा था, वो बड़ा जिज्ञासु था, तो उसको एक पुस्तक मिल गई, हालांकि चुटकुला है, वो सकता है आपने सुना होगा। तो उसको जब एक पुस्तक मिलती है तो उसमें वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है कि प्लेन को हम कैसे उड़ा सकते हैं। वो जाता है, सोचता है कि हम यहाँ बैठते ही हैं, इतनी यात्राएं की हैं, हमारा मित्र है पायलट, हम भी चला लेंगे। तो उसकी वो पुस्तक का एक पन्ना खोलता, उसको लगता है ये बटन दबाओ वो बटन दबाओ ऐसे करो वैसे करो, वो करता चला जाता है। करते करते वो प्लेन को उड़ा लेता है, लेकिन जब प्लेन उड़ने लगता है तब उसमें ये पेज है ही नहीं कि उसको रोका कैसे। अब जब उसको ब्रेक लगाना ही नहीं आया तो उसका प्लेन तो क्रैश होगा ही, और ये इतनी जल्दी तो है नहीं कि आप सीख जाओगे, क्योंकि हर चीज का समय निर्धारित है, हमारी आयु निर्धारित है, हमारी सांसें निर्धारित है। तो आपको विमान मिल गया, आप चाहे तो उसको अगर अच्छी तरह से चलाएंगे तो एक जो टाइम लिमिट है उसमें आप सही से चला के वापस लैंड कर जाएंगे, लेकिन आपको जब पता ही नहीं है कि आप ब्रेक कैसे लगाएं तो क्या होगा, स्वयं तो आप गिरेंगे, वो जो विमान महंगा सा था उसको भी आप वेस्ट करेंगे, नष्ट करेंगे, जो उसकी भी उम्र थी वो भी गई। उसी प्रकार से बच्चे के साथ में हुआ, उस बेटे के साथ में हुआ कि उसने अपने जो है जीवन लीला भी समाप्त करी और विमान। तो हम सब भी अगर ज्ञान रखते हैं, घातक भी ना रखे जो हमारे लिए अमर्यादित हो जाए, जो हमारे ही प्राणों का शत्रु हो जाए। हमने पढ़ लिया कि भाई तरबूज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, इसको खाने से गर्मी नहीं लगती, इसको खाने से डिहाइड्रेशन नहीं होता, इसको खाने से पाचन संबंधी समस्याएं अच्छी रहती है, इसको खाने से बहुत सारे फायदे हैं, दूध पीने से बहुत फायदे, संतुलित आहार है, सारे विटामिन और सब इसमें मिल जाते हैं भाई, तो हम भाई जल्दी सुपाच्य है ना, अमृत है, गौ माता का दूध मतलब अमृत, ये सब हम पढ़ते हैं। हमने दोनों चीजें पढ़ी और हमने क्या किया, तरबूज खाया, चलो दूध पिया जाए, अब तो फैशन आ गया, हर चीज में मैं देखती हूँ दूध को मिला करके शेक बन रहे हैं, बच्चे खरबूजे में दूध को मिला करके शेक बना रहे हैं, आइस डाली ये लीजिए नया व्यंजन, केला दूध में मिला लिया लीजिए बढ़िया सा शेक बन गया। अब वो जब आप शेक पी रहे हैं उसका जो आप पर असर पड़ेगा, आपको पता है जान भी जा सकती है, इस कदर आपको नुकसान करेगा। तरबूज खाने के बाद दूध पी करके कोई अगर जिंदा रह जाए तो मतलब बहुत बड़ी बात है, ये ईश्वर का कहीं ना कहीं वरदान होगा, तभी ये तो बच ही नहीं सकेगा। तरबूज खा के दूध पीना बिल्कुल गलत है। सेब खा रहे हैं अमरूद, सेब के साथ में केला खा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। अमरूद खा रहे हैं, केला भी खा रहे हैं, फ्रूट चाट खा रहे हैं, रात्रि में खा रहे हैं, ये जो विरुद्धाहार हम लोग करते हैं ये कौन झेलेगा। ये सब तो हमारे यहाँ बच्चों को पता होता था कि किसके बीज खाने हैं किसके नहीं खाने, जो अब आ रहे हैं वहां से रिसर्च होने, ये सब हम लोग को पता होते हुए भी आज हमको नॉलेज नहीं है, और हमारे घरों के बच्चे कर रहे हैं जो आप लोग कभी कभी कहते हैं ना शहरों में बड़ा अच्छा है,
वहां तो और मुश्किल है। आपका आतिथ्य अब ऐसे शेक और जूस से होता है जो आपको पता है कि ये कतई घात है। आप कितना भी कहिए हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, क्या हमारे जैसे ढीठ लोग तो नहीं पीएंगे, चाहे जो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीती है मैम, चाय भी नहीं तो खाते पीते क्यों, हमारी तैलिया ही कभी खाते क्या हो गया। तुम्हें ब्रेड नहीं खाना है, तुम्हें पिज्जा नहीं खाना है, तुम्हें बर्गर नहीं खाना है, तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी है, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी, तुम खाती क्या, कहाँ देगी जी, तुम लोग यही खा खा करके तो सब जन्म लिए है दुनिया में। तो हम माए खुद देती बेटा 5 रुपया ले लो कुरकुरे खा लेना जाके। तो भाई अब माँ तो लड्डू बना के दे नहीं रही है, अब बच्चे को तो कुरकुरा खाना ही है, फिर क्या है कि आइसक्रीम आई है, अरे देखो अपने लड़का का दीवार है, हमारे लड़का का नहीं है। अब ये हम आइसक्रीम तो हमारे लिए चीजें बनी ही नहीं थी, ये उल्टी सीधी चीजें जो हम लोगों ने शुरू करी, केक आइसक्रीम ये है, इसलिए विषयांतर नहीं होना है मुझे। तो बात ये है कि हम ईश्वर की भक्ति तभी कर पाएंगे जब हम ईश्वर को जानेंगे, नहीं तो परिचय होता है, पूर्व ज्ञान होता है, तभी हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये तो हमें लगता है मम्मी ने कहा है हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ेंगे, मम्मी ने कहा है व्रत रहना है तो व्रत रह लेते हैं, क्योंकि सारी दुनिया रह रही है, चलो साबुदाने की खिचड़ी मिल जाएगी हम खा लेंगे। और मैं सच बताऊँ आपको, अब बनाए किस्सा बताऊँ, हो सकता है आपके साथ में ऐसा नहीं हो, मेरे साथ ही आर्य समाज परिवार था, बड़ा अच्छा था कि पिताश्री जो है इधर जन्म हुआ है, उधर आर्य समाज का प्रवचन सुनने जाते थे, तो वहां पर वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने जाते ही सीधे वहां गुरुकुल के पढ़े हुए भी थे, हालांकि सनातनी गुरुकुल पौराणिक गुरुकुल के थे, तो उन्होंने वहां जाकर के बहुत सारे बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, पढ़ने वढ़ने में मन लगता था उनका, तो यहाँ जब आए तो सारी हवन की जो परिपाटी थी वो सब उन्होंने सीख ली, हवन के मंत्र सीख लिए, संध्या पाठन करने लगे, सब सीख लिए। तो मेरा जो है बहुत ज्यादा अटैचमेंट था आर्य समाज से, जाते थे सुनते थे, मुझे नींद नहीं आती, अब बच्चों को नींद आ जाती भले, लेकिन हम लोग को नींद नहीं आती थी, हम लोग भी ऐसे रात में बैठ के सुनते थे। तो अब मुझे भी लेकिन एक दिन लगा कि चलो रह ही लेते हैं व्रत, क्योंकि हमारी मतलब एक बुआ जी आई हुई थी, उन्होंने कहा कि हम व्रत रहते हैं 9 दिन का, तो मुझे लगा बुआ जी हैं बड़ी प्यारी बुआ थी, तो मुझे उनसे बड़ी उन पर बड़ी आसक्ति थी कि अच्छी सी है और देखो पूरे 9 दिन रहती है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग उनको कह रहे वो आ गई व्रत है, कोई साबुदाना की खिचड़ी दे रहा है, कोई सिंघाड़ा की कचौड़ी हम नहीं कही कुछ, तो हमको लगा 9 दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, और साबुदाना की खिचड़ी किसको नहीं पसंद, अच्छा बताया कोई है जिसको ना पसंद हो, हाथ खड़ा करे कोई नहीं बताएगा, चलो लेकिन साबुदाना की खिचड़ी अच्छी लगती थी जो बात, तो हमने कहा चलो खाने को मिलेगी हम व्रत रह लेते। अब हमने भी शुरू किया तो पिताश्री को जब पता चला कोई और रहता तो उन्हें इतना नहीं लगता, लेकिन जब उन्होंने मेरे बारे में सुना तो उन्हें कल चला, तो बोले कि मैंने तुम्हें उपवास के बारे में बताया था ना, तो मैंने कहा हाँ बताया था, छोटे ही थे मितेज उससे भी छोटे रहे होंगे हम, तो बताया भाई कि नहीं ये व्रत का तरीका नहीं होता है, अगर तुम्हें उपवास करना है तो नींबू पानी पर रहो और जो है अच्छे विचारों को सोचो, अगर तुम्हें कुछ अपने उसके स्वास्थ्य के लिए करना है तो ऐसे करो, बताया बहुत कुछ, लेकिन हमारी जिद्दी की हम रहेंगे तभी तो उनको खाना है, तो अब इस पर वो थोड़ा सा उनको नाराजगी पकड़ने लगे। अब नाराजगी पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आया, अच्छा लगा तुमको मारते देखते, तुम्हारी देवी माँ जो है कहाँ से आती है, तो मुझे लगा कि शायद इनको बुरा सा लग रहा है, मैंने उनकी आंखों में देखा कि ऐसा क्या है, तब फिर उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को रोका और फिर उन्होंने मुझे पूरा बताया अच्छे से, एक बार फिर से बैठा करके बताया, तो मुझे समझ में आया कि व्रत क्या है, क्यों रहते हैं लोग, और इसके पीछे के कारण प्रायः ये होते हैं, बच्चे ये सोच करके रहते हैं कि हम ये खा पी लेंगे, बच्चे इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि अगर दुर्गा माता है तो दुर्गा अगर दुर्गा का जो पाठ है वही पूरा याद हो ऐसा भी नहीं हो, तो दुर्गा जी का व्रत रहना चलिए ठीक है आप रहते अच्छी बात है, जो चीज हो वो एक तो हो कम से कम, उससे कोई दोपहर में भी ये चर्चा हो रही थी कि जब हम इधर उधर बिखरते हैं
ये भी बाट वो भी बाट तो क्षति किसकी होती है, हानि किसकी होती है। जब हम एक मार्ग पर नहीं चलते हैं तो सबसे पहले हम संगठित नहीं होते। जब हम संगठित नहीं होते हैं, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, हम वास्तविक स्वरूप नहीं समझ पाते हैं देवी माँ का। जब हम हमारे घर में बैठी हुई हमारी देवी रूप जो माताएं बहने हैं हम उनको नहीं समझ पाते, या खुद हम देवियां ही अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तब दिक्कत। अगर हमने मान लिया, मैंने देखा है कि हम लोग जब भजन गाते हैं तो उसमें क्या होता है देवी के भजन में कि माता तुम्हारी चुनरी सोहे, माता तुम्हारी गेंदी सोहे, माता तुम्हारी बिंदी सोहे, तो उसमें भी हम उनके रूप रस गंध और स्पर्श से ही चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम उसी पर पहुंच जाते हैं जो हम खुद स्वयं में देख रहे हैं, तो माया में उलझ जाते। तो इसीलिए हम लोगों को ईश्वर का जो वास्तविक देवी स्वरूप है यह ददाति सह देवता, जो देता है वह देवता आदित्य, जो सूर्य जो ईश्वर का नाम है वो देता है, तो वो देवता है लेकिन वो जड़ है। अगर हम सोचें कि वो सूर्य रूप में आ करके हमारे रूप में मानवी रूप में आ करके हमारे लिए जो है भगवान बन जाएंगे या वो जो है घोड़ों पे चढ़ करके आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो तो आपका जलता हुआ गोला है, ये हम सभी ने पढ़ा है विज्ञान में। तो हम सभी को जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है अगर ये जानना है